और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, इंडिया गठबंधन की आज बैठक है, बैठक के बाद होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, दोनों नेता करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, और हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। तुषार, आज बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताई जा रही है, क्या मुद्दे इस दौरान उठ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों नेताओं की पहले साझा बैठक होगी, उसके बाद 10:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां पर वो एनडीए के ऊपर जमकर हमला बोलेंगे। आपको बताऊं तो महंगाई इनका मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कानून व्यवस्था पर हमला बोल सकते हैं, इसी वजह से दोनों नेता आज ताज होटल में एकत्रित होंगे। आपको बताऊं तो इससे पहले अभी तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ संयुक्त रोड शो किए हैं, जनसभाओं को किए हैं, लेकिन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, क्योंकि इससे पहले का जब चुनाव था तो उसमें हमने देखा था कि इसी ताज होटल में दोनों ही नेताओं ने, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोला था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार राहुल गांधी तो नहीं आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, साथ में अखिलेश यादव भी होंगे। उससे पहले दोनों नेताओं जो हैं वो रणनीति बनाएंगे, क्योंकि लखनऊ में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं रविदास मल्होत्रा, उनको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। हालांकि आपको बताऊं तो इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली चले जाएंगे, वहां पर वो चुनाव प्रचार करेंगे, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचेंगे, इसके अलावा प्रियंका गांधी भी रायबरेली में मौजूद होंगी। तो आज का जो पूरा दिन का जो प्रोग्राम है वो चुनावी रैलियों को लेकर है, और दोनों ही पार्टियां आज आक्रामक हैं, क्योंकि 14 सीटों पर 5वें चरण का चुनाव है, और जो वोटों का मार्जिन है दोनों तरफ, जो पिछली बार का 2019 का जो चुनाव रहा उसमें जो वोटों का मार्जिन था वो बहुत कम वोटों का मार्जिन था, इसी वजह से इस बार का जो 5वें चरण का चुनाव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और कम मार्जिन से दोनों ही पार्टियों ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 14 सीटों में 13 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए के पास थी, इसी वजह से इस बार अगर देखिए तो अखिलेश यादव भी इस बार चुनावी मोड में पूरी तरह से एक्टिव है 5वें चरण को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, तो साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बार चुनावी मोड में बहुत तेजी से 5वें चरण में लगे हुए हैं, क्योंकि वोटों के मार्जिन को अगर देखा जाए तो नेट टू नेट फाइट होने की उम्मीद है इस बार जो 5वें चरण का चुनाव है। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से इस बार चुनावी तीर छोड़े जाएंगे, बयानबाजियाँ होंगी, बड़ी बड़ी बातें कही जाएंगी, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें ये देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव क्या कहते हैं, लेकिन ये बात साफ है कि इस बार वो एनडीए को घेरने की कोशिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की आज बैठक होने जा रही है, इसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, और जाहिर तौर पर एनडीए को घेरने की कोशिश रहेगी इस दौरान भी, लेकिन मुद्दे कौन कौन से रहते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इससे